गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग रामलाल। मैं कैश डिपॉजिट कर अभी आई, तुम यही वेट करो एंड रिमेम्बर नो मस्ती। ओके मम्मी। वैसे भी इस बोरिंग प्लेस में क्या मस्ती करेंगे। और कल फिर एक बार शहर में नए आए हीरो गैजेट मैन ने सही समय पर आकर म्यूजियम में होने वाली स्टैचू की रॉबरी को रोक लिया। वाओ, गैजेट मैन डिड इट अगेन। पता है सिंपू, मैंने सुना है ही हैज सम अमेजिंग गैजेट्स जिनसे वो बैड गाइस की छुट्टी कर देता है। नो सिंपू, आई मीन हाई टेक गैजेट्स। चुपचाप हमें पैसे दे दो। स्टॉप सिंपू, दिस कैन बी डेंजरस। पुलिस को बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक पुलिस यहाँ पहुँचेगी हम यहाँ से भाग चुके होंगे। पुलिस तो फेमस ही है लेट आने के लिए। गैजेट मैन आ गया, हमारे पैसे बच जाएंगे। गैजेट मैन, गैजेट मैन। रिलैक्स एवरीबॉडी, अब आप सेफ हैं, क्योंकि जब गैजेट मैन लेता है एंट्री, प्रॉब्लम्स लेती है एग्जिट। वाओ, गैजेट मैन। वाओ, कितने अमेजिंग गैजेट्स है ना सिंपू। ये तो डेंजर है भाई लोग, जल्दी से भाग लो यहाँ से। ये रहे आपके पैसे, माय जॉब इज डन, चलता हूँ। ये पुलिस गलती से सही टाइम पर कैसे आ गई? अरे इंस्पेक्टर प्यारे लाल के होते हुए कोई चोर भाग ही नहीं सकता। पांडो, तलाशी लो इनके। मगर हमारे हाथ तो खाली है, हमने कुछ भी नहीं चुराया। साहेब, लगता है इस बार भी गैजेट मैन ने इनका प्लान फेल कर दिया, इसीलिए पतली गली से सटक रहे हैं। इनको हम पकड़े हैं, वो गैजेट मैन को काहे फोकट में क्रेडिट दे रहे हो। गुड टाइमिंग इंस्पेक्टर, मैं इन्हें आपके पास लाने ही वाला था। मैं तो एकदम आपका फैन है, एक बार वो डायलॉग बोल के दिखाओ ना। जब गैजेट मैन लेता है एंट्री तो प्रॉब्लम क्या है? यहाँ कोई पिक्चर नहीं चल रहा है जो ये डायलॉग बोलेंगे। हाँ, मेरे को इधर कुछ जलने का वो आ रहा है। हमको इससे कोई जलन वलन नहीं हो रही। क्या मैं कोई मदद करूं? चोर तो 9-2-11 हो गए सर जी। इंस्पेक्टर प्यारे लाल उनको खुद ही ढूंढ निकालेगा। ठीक है इंस्पेक्टर, जैसा आप कहें। मैं चला। गैजेट मैन रुको, कम ऑन सिंपू। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर रुकिए। इंस्पेक्टर, वो चोर वो पैसों से भरी एक बैग लेकर भाग गए। हो ही नहीं सकता है, मैंने पूरा चेकिंग किया उनका, उनके पास पैसों का कोई बैग नहीं था। हा? मगर इन बैग्स में तो नकली पैसे हैं। अरे देवा,
ये असली का नकली कैसे हो गया? किसने किया? गैजेट मैन, वेट, रुको रुको। ओफो, वी मिस्ड हिम। काश मैं उनसे मिल पाता। ये तो वही चोर है जो बैंक में थे, मगर ये बैंक के पीछे कहीं ये लोग फिर से तो। कम ऑन सिंपू, लेट्स चेक। और सबको लगा सिर्फ अपन तीनों ही बैंक लूटने आए थे, मगर अपने गैंग के चौथे साथी ने चुपके से चोरी कर ली और किसी को पता भी नहीं चला। अब असली पैसा अपने पास और नकली बैंक में। वो बेवकूफ इंस्पेक्टर हमारी तलाशी ले रहा था। हाँ, चलो चलो चलो। हमें इनका अड्डा पता करना होगा। हरी, लेट्स फॉलो देम सिंपू। अरे कहाँ भाग रहे हो तुम दोनों? मैंने बैंक में वेट करने के लिए कहा था ना। वो मम्मी मैं कोई एक्सक्यूज नहीं, अब घर चलो चलो। आखिर उस चौथे चोर ने चोरी की कैसे? मुझे कमिश्नर अंकल को ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। और तुम दोनों की लापरवाही की वजह से ना वो चोर भाग गए। सच्ची कहते हैं सर, हमने उन तीनों की पूरी तलाशी ली थी, वो कुछ भी लेकर नहीं भागे हैं। तीन नहीं चार, वो चार थे वो अनपढ़। नहीं सर जी, तीन ही थे। और तुम लोग चुप करो। और इस लड़के ने ना उन चोरों को बात करते हुए सुना है। उनका एक और चौथा साथी भी था जो सबकी नजरों से छिपकर चोरी कर रहा था। ये काम हम पर छोड़ दीजिए सर, हम उसको ढूंढ निकालूंगा। और मुझे नहीं लगता तुम ये काम अकेले कर पाओगे। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम इस काम में गैजेट मैन की मदद लो, उसके बिना तुम ये काम नहीं कर सकते। गैजेट मैन? गैजेट मैन, हम उसकी मदद कभी नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा। प्यारे अंकल तो गैजेट मैन से जेलिस है। अच्छा, तो इंस्पेक्टर प्यारे गैजेट मैन तक चोरों की इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचने देंगे? यस दिया, उस गैंग के चौथे साथी की इन्फॉर्मेशन गैजेट मैन तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। तो तुम क्या सोच रहे हो? मैं खुद गैजेट मैन से मिलकर ये इन्फॉर्मेशन दूंगा, मगर प्रॉब्लम ये है कि मैं उसे ढूंढूंगा कहाँ? समझो तुम्हारा काम हो गया। कल सिटी पार्क की इनॉग्रेशन के लिए गैजेट मैन खुद आने वाला है। वाओ दिया, दिस कैन बी अ गुड चांस। मैं कल गैजेट मैन से जरूर मिलूंगा। हम सबके सामने इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। बी रेडी सिंपू, वो जैसे ही निकलेगा वी हैव टू फॉलो हिम। हैव फन बच्चों, अब मैं चलता हूँ। दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। ये तो वही बैंक वाले चोर हैं। शायद गैजेट मैन उन किडनैप्ड अंकल को बचाने यहाँ आया है। नो, अभी नहीं, लेट्स वेट एंड वॉच। अरे कब तक आप उन तीनों ही खेलेंगे? अपना चौथा साथी कब आएगा? किधर हो? अरे आता ही होगा। लो, आ गया अपना साथी। हाँ।
कैसे हो दोस्तों? चौथा साथी गैजेट मैन।